हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मेरा थोड़ा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। पहले मेरा हुआ, फिर मेरे बड़े वाले बेटे का हो गया, फिर छोटे वाले बेटे का हो गया, फिर मेरे हस्बैंड आए थे उनका हो गया। और इसी वजह से और मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। जब भी एडिटिंग करने बैठती थी तो सर घूमने लगता था और काफ़ी वीकनेस भी हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाई। और कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हो गई हूँ। हमारे घर में सभी कोई ठीक हो गए हैं, अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हस्बैंड भी अपने ड्यूटी पे चले गए हैं, तो अब मैं वीडियो डाल रही हूँ। और हमसे जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और इस चैनल पे जो भी नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। ऐसा समय आ गया है कि अगर सर्दी खांसी भी हो तो लगता है कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है। मगर 4 5 3 6 दिन मुझे तबीयत ख़राब रहा, मगर मुझे वैसा कोई सिम्टम नहीं था, सिर्फ फीवर आ रहा था। फीवर लो नहीं हो रहा था, मतलब सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं था। तो डॉक्टर ने अब बोला था, 6 दिन 7 दिन हो गया था, तो बोला कि अब आप अपने टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ये समय सही नहीं है। मैं सोची ही थी कि अब टेस्ट करवा ही लूँगी। हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, मगर जब टेस्ट करवाने से पहले ही मेरा तबीयत ठीक हो गया। सुबह मैं सोची थी कि जाऊँगी, मगर उस दिन से ही, रात से ही, दिन भर मुझे फीवर नहीं आया। फिर मेरा तबीयत भी ठीक हो गया। और यहाँ मौसम भी बहुत बुरा सा है झारखंड में, बहुत ही ज़्यादा। हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, फिर उमस हो जा रहा है, गर्मी हो रहा है। इस वजह से यहाँ सभी के घर में इस तरह का प्रॉब्लम था। सभी के घर में किन्हीं को सर्दी खांसी हो रही थी, मगर सभी यहाँ पे सुरक्षित हैं। और आशा करती हूँ कि भगवान सभी के घर में सभी को सुरक्षित रखें, किन्हीं को कुछ भी ना हो। और ये कोविड का टाइम बहुत जल्दी सब के से इस देश से बहुत जल्दी मिट जाए, और कभी भी इस कोविड का नाम भी ना आए, ऐसा हो जाए, पहले वाली ज़िंदगी आ जाए, सबको पहले वाली ज़िंदगी मिल जाए, जिस समय कोई टेंशन नहीं था, कहीं भी जा सकते हैं। आज ऐसा है कि कहीं जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। मैं मार्केट भी अगर सब्जी लाना है तो भी उसको सोचना पड़ता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि इतना कोविड के वजह से डर हो चुका है। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 1 2 केस ऐसा हुआ है जिसमें वो लोग ऑफ हो गए थे, बुजुर्ग थे। कोई भगवान के सामने तो किन्हीं का नहीं चलता, क्या कर सकते हैं। मगर हाँ, सुरक्षा रखें, मास्क पहने, घर में रहें, सैनिटाइज करें, ज़रूरी हो तभी मार्केट जाएं, वरना मार्केट ना जाएं। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ। और मेरा ब्लॉग भी काफ़ी टाइम हो गया, 40 या 35 40 दिन से ज़्यादा ही हो गया होगा मेरा ब्लॉग नहीं गया। कोशिश करूँगी कि अब ब्लॉग डेली हमेशा भेजूँ, डालूँ। थोड़ा सा क्या होता है कि वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, और कैमरा के सामने बोलने के लिए भी टाइम, ये चाहिए, सांस चाहिए, फिर एडिटिंग करने के लिए भी वक्त लगता है, इस वजह से नहीं डाल पाई। और मेरा खाना वगैरह बन चुका है, सभी काम हो चुका है। ये और अभी बज रहे हैं 12, और मैंने आज केले का कोफ्ता बनाया था। सोची थी कि रेसिपी शेयर करूँगी, मगर शेयर नहीं कर पाई। और इधर चावल चढ़ा हुआ है। यहाँ मौसम बिल्कुल बेकार सा किया हुआ है, इसकी भी सब्ज़ी बनती है। ये मैंने गमले में ही लगा रखा है, मुझे अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी सब्ज़ी मैं जब बनाऊँगी, बनाई मैं 2 3 बार, मगर वीडियो नहीं डाल पाई। ये अब के नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो ज़रूर डालूँगी। और देखिए दोस्तों, अब ये बैंगन देखिए फला हुआ है, ये कितना सारा बैंगन है। यह देखिए मिर्ची, अब बोदी भी फला हुआ है, था बोदी तोड़ ली हूँ मैं, वीडियो बना नहीं पाई। और ये देखिए भिंडी भी लगाई हूँ, भिंडी भी ज़्यादा नहीं, एक पाव भर टूट ही जाता है। देखिए इसमें देखिए तो कितनी,
फूल आया हुआ है और यहाँ बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना सुहाना। ये सब पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ थोड़ा एक दो महीना इसमें पौधे में पानी देने में थोड़ा सा होता है। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, अब इसे बारिश में इसे पानी देने का कोई। और ये बड़ी वाली जो बोधी होती है, बरबट्टी लंबी वाली, वो था मगर इसे चींटी ने बर्बाद करके रखा है। और देखिए इसमें भी करेला लटका हुआ है दोस्तों। मतलब अच्छा लगता है, छत पे जब मैं आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हरा हरा कुछ थोड़ा अलग लगता है कि मेरे छत पे इतना अच्छा गार्डन है। और एक बार मुझे इस पे खर्च आया था 1000 रुपया मुझे लगा था, जब इसमें मैं कंपोस्ट वगैरह शुरू में फर्स्ट में डाली थी। और बाकी इसमें कलस खाद आता है जो जैविक खाद होता है, उसे डालने से क्या होता है इसमें चेरे हो जाते हैं अंदर मिट्टी में, वो अपने आप इसमें खाद बनाते रहते हैं। और ये देखिए समी जी का पौधा, देखिए कितना सारा फ्लावर आया हुआ है देखिए। और जामुन का पेड़ पे जामुन तो है, देखिए नीचे कितना सारा। छत भी काफ़ी गंदा हो रखा है यहाँ जो तूफान आया था इसकी वजह से, तो अब हम सब सब्जियों को तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना, मतलब ये एक साथ ये इस बैंगन भरता है। इसमें मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं ये ठंड वाली ही बैंगन लगा दी हूँ, इस गर्मी के लिए अलग से आते हैं पौधे बीज, मगर मैं जो ठंड में लाई थी वही वाले बीज लगा दी हूँ, इस वजह से थोड़े छोटे छोटे साइज के हैं, मगर टेस्ट बहुत अच्छा है। बीज नहीं होते इसमें, सबसे बड़ी बात है। देखिए दोस्तों इतने बैंगन तोड़ ली हूँ, और ये छोटी वाली बोधी है, ये देखिए फली थी मगर मैं दिखा नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई, उस समय मुझे तबीयत ठीक नहीं था। अभी बारिश की वजह से पेड़ सब बड़े हो रहे हैं, इसमें एक बार ग्रोथ आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारी सब्जी टूटेगी, थोड़ी बहुत नहीं इधर काफ़ी सारी सब्जी टूटेगी ऐसे ये कि थोड़ी। और देखिए दोस्तों अभी मैं करेला भी तोड़ूंगी, और देखिए मैं ये उस तरफ तो जा नहीं पाऊंगी रेलिंग पे, तो मैंने ये करेला तोड़ने के लिए भी बना के रखा है। देखिए इस टाइप में है, इस तरह है। देखिए तो दिखाती हूँ यहाँ पे रखिए, देखिए दोस्तों इतना सारा तोड़ी हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप लोग कैसे हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।